दोस्तों टैंक ग्रेवयार्ड या टैंक कब्रिस्तान उस जगह को कहा जाता हो जहां आखिरी दफ़ा जंग में टैंक तबाह हुई हो या फिर पुरानी और रिटायर्ड टैंकों को रखा जाता हो। और आज हम तीन ऐसे टैंकों के कब्रिस्तानों के बारे में बात करने वाले हैं जहां जंग के दौरान टैंकें तबाह हुई हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 9 साल बाद कुछ ना हासिल किए बगैर अफगानिस्तान से खाली हाथ निकल गया और अफगानिस्तान को टैंकों का कब्रिस्तान दे गया। और ये कब्रिस्तान काबुल शहर के नज़दीक है जहां अफगानी फोर्स कभी कभी जंगी प्रैक्टिस करने के लिए आती जाती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि यहां पर अमेरिकी टैंक्स भी मौजूद हैं। टैंकों का एक और कब्रिस्तान कुवैत और इराक के दरमियान हाईवे 18 पर मौजूद है जिसे हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है। और इस हाईवे का इस्तेमाल 1999 में इराक ने कुवैत पर हमला करने के लिए किया था। गल्फ वार के दौरान जब इराक इस हाईवे से निकलने लगा तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इस हाईवे पर बमों की बारिश कर दी और इस हाईवे को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। और इस कब्रिस्तान मेरा की टैंकों में से T-72, BPM-1, Type-63 के साथ और भी गाड़ियां शामिल हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक यहां 2500 के करीब गाड़ियां तबाह की गई थी। और तीसरा टैंकों का कब्रिस्तान रशिया में मौजूद है जो रशिया के ब्रेज शहर में बेगलोर के इलाके में वाक़िया है। ये खेरको के इलाके सरहद से 7 किलोमीटर फासले पर है और रूस इन टूटी फूटी टैंकों की मरम्मत के लिए जदोजहद कर रहा है जिन्हें यूक्रेन जंग में नुकसान पहुंचा था। और एक टीवी चैनल के बयान के मुताबिक रूस ने 1500 टैंकों और 1700 इन्फेंट्री फाइटिंग गाड़ियों समेत 8000 से ज़्यादा गाड़ियां खो दी हैं जिसको यूक्रेन ने तबाह किया था। रशिया यूक्रेन वार में सबसे ज़्यादा नुकसान रशिया को हुआ है। इस वजह से रशिया अपने पुराने टैंकों की मरम्मत करके उसे जंग के काबिल बनाना चाहता है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।